कांग्रेस नेता राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा है आज। बिलासपुर के सकरी में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 3:40 पर राहुल गांधी बिलासपुर एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि सचिन पायलट समेत कांग्रेस के कई नेता एयरपोर्ट में स्वागत करेंगे। 3:45 पर बिलासपुर एयरपोर्ट में राहुल गांधी का स्वागत किया जाएगा। शाम 4:15 सकरी में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। इसके बाद शाम 5:45 तकरीबन 6:00 बिलासपुर एयरपोर्ट से दिल्ली रवाना हो जाएंगे राहुल गांधी। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता वीरेंद्र गहवई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, दौरे को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है, कौन कौन से नेता मौजूद रहने वाले हैं और कार्यक्रम को लेकर क्या अपडेट? देखिए, जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं सचिन पायलट और सह प्रभारी विजय जांगिड़ समेत जो स्थानीय नेता हैं वो पल से ही यहाँ डेरा डाले हुए हैं। इसके अलावा जो सकरी में ये कार्यक्रम आयोजित है उस वहाँ पर हम मौजूद हैं। देखिए, एक बड़ा डोम बनाया गया है, बड़ा सा पंडाल बनाया गया है और काफ़ी संख्या में करीब 50,000 लोगों की आने की बात कही जा रही है। कांग्रेस इस कार्यक्रम को सामाजिक न्याय सम्मेलन नाम इस कांग्रेस ने दिया है और तखतपुर विधानसभा क्षेत्र के सकरी में आ रहे हैं। आशीष सिंह जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से ये सभा होने वाली है और कितने बजे राहुल गांधी पहुँचेंगे। राहुल जी का जो प्रोग्राम है वो 3:00 के करीब का है और सामाजिक न्याय सम्मेलन के नाम से इसको कार्यक्रम को रखा गया है और उम्मीद है कि बहुत ही सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम रहेगा। कितने लोग आएंगे और किन मुद्दों पर फोकस रहेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहा है, किन मुद्दों पर फोकस रहेगा आज के इस कार्यक्रम में? जो जगह जो है वो सकरी के सिंचाई कॉलोनी के ग्राउंड में है और इसके पहले भी राहुल जी यहाँ आ चुके हैं। चेयर्स जो हैं वो 20,000 से ऊपर के लगे हुए हैं और उम्मीद है कि उससे ज़्यादा लोग आएंगे क्योंकि 8 विधानसभा के लोग यहाँ पहुँचेंगे। पिछली बार भी यहाँ कार्यक्रम हुआ था। जो भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने वादे किए थे उन्होंने 2014 से लेकर आज तक उसको उन्होंने कभी पूरा नहीं किया और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि अब की बार 400 पार, और 400 पार क्यों? क्योंकि संविधान को बदलना है, आरक्षण को समाप्त करना, ऐसी बातें उनके नेताओं के द्वारा कही गई हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के लेकर राहुल जी यहाँ पहुँच रहे हैं। किसानों का मुद्दा है, कांग्रेस के समय में 24 घंटा ये कहा जाता था कि लाइट नहीं है। आज आप सोचिए कि लाइट बिल्कुल भी नहीं है गाँव में। आप खुद भी गाँव के रहने वाले हैं, आपको भी पता होगा कि लाइट की हालत कैसी है, बहुत बुरी हालत है। बिजली की समस्या अभी किसानों के बीच में है। हमारा जो राहुल जी का जो मैनिफेस्टो जो उन्होंने बनाया है कांग्रेस ने, उसमें कहा गया है कि किसानों का कर्जा फिर माफ़ करेंगे। हम जब आए थे 2018 में तो माननीय भूपेश बघेल जी ने किसानों का कर्जा 2 घंटे के अंदर माफ़ किया था। 2500 रुपये धान का मूल्य किया गया था। आज जो भी किसान है वो जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो है वो अगर खुश है तो वो भूपेश बघेल जी और राहुल जी के कारण किसान यहाँ खुश है। लेकिन अब वो दुखी इसलिए है क्योंकि आप गर्मी की फसल देखिए, आप पूरी गर्मी की फसल का हालत ख़राब हो गया। क्या लेकिन बीजेपी ये कहती है कि कांग्रेस ने जो वादे किए थे वो निभाए नहीं, इस वजह से सरकार बदल गई और इस बार तो जय श्री राम का नारा है, राम के नाम से नैया पार लग जाएगी, 400 पार हो जाएगा बीजेपी का। नहीं देखिए, आप तो बिल्कुल, कौन सा ऐसा वादा है जो कांग्रेस ने निभाया? भाई जो भी, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो स्कूल को लेके जो स्वामी आत्मानंद स्कूल जो बनाए गए हैं पूरे प्रदेश में, उसकी एक मिसाल है। लोग आके देखने लगे थे कि कैसा बना है। और जहाँ तक है राम भगवान जो राम को लाए हैं, तो ये आप सोचिए आप कि राम कौन से समय थे और अभी है, तो ये तो हास्यास्पद है।
कि राम को कैसे ला सकता है कोई। ठीक है, देखिए ये पूरी तरीके से ये तैयारी है और बीजेपी को घेरने की तैयारी है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं, 8 विधानसभा क्षेत्र से लोग यहां पहुंचेंगे और करीब 4 बजे राहुल की सभा होगी, तो वो बीजेपी पर निशाना साधेंगे। ठीक है वीरेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।